हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास आ चुका है वीवो का लेटेस्ट वीवो V29 Pro, जो कि काफ़ी स्टाइलिश है लुक्स के मामले में एंड ये काफ़ी लाइट वेट फ़ोन वीवो ने बनाया है। कर्व स्क्रीन के साथ आ जाती है डिज़ाइन, अगर देखें तो बैक साइड में आपको ग्लास मिलता है और ग्लास जो है काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने और साइड से कर्व्स दिए हुए चारों तरफ से, जो कि आपको हाथ में बहुत ही प्रीमियम फील कराता है। ड्यूल कैमरा सेटअप है, देन यहाँ पे आपको एक लाइट सेंसर दिया गया है, जैसे कि लो लाइट में आपको मेजरमेंट्स करने में इसके कैमरा जो है एल्गोरिथम काफ़ी अच्छी काम करेगी। यहाँ पे आपको ड्यूल फ्लैश भी दिया गया है। ये जो फ्लैश है ये स्मार्ट फ्लैश है, ये वीवो के पहले V27 सीरीज़ में आपको ये देखने मिला था, V23 Pro में देखने मिला था, जहाँ पर आप फ्रंट कैमरे आपको ड्यूल सेल्फी में यह काम करता था, जहाँ पर आप इसका लाइट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट है वीवो ने V29 Pro में इसे वापस से बताया है, प्रेजेंट किया है। आपको मैं दिखाता हूँ यह किस तरह से काम करता है। तो कुछ इस तरह से यह पीछे लाइट जो है काम करती है। इसमें इसका भी आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल ये वाइट दिख रहा है। आगे मैं आपको वापस से कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये कलर अगर देखें तो यहाँ पर आपको वार्म पे चली गई है। तो ये जब आप नाइट में वीडियो से रिकॉर्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये आपको फील होगा और इसे काफ़ी अच्छी आपको डिटेल्स देखने मिलेगी। बात करें फ़ोन में आगे आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। अब पैनल जो है काफ़ी ब्राइट है, यहाँ पर आपको 1300 nits की ब्राइटनेस दी गई है, जो कि आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छी आपको साबित होगी, वीडियो एक्सपीरियंस के लिए भी काफ़ी लाजवाब होगा। यह साइड में जो कर्व स्किन है काफ़ी अच्छा दिया गया, बहुत ही अच्छा ये फील हो रहा है, इनहैंड फील है इसका, बहुत ही स्लिम बनाया गया है। तो जब इसे आप कैरी हाथ में आपके होगा ये फ़ोन, तो बहुत ही आपको अच्छा फील होगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन अगर देखिए, सॉफ्ट एक्सटेंशन करके प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रंट में। बैक साइड में यहाँ पे कौन है कि यहाँ पे आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी फील होगी। गाइस ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो फ़ोन का लुक है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, लुक्स के मामले में वीवो ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। बैक साइड में यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा दिया गया है, प्राइमरी कैमरा दिया गया एंड OIS के साथ में दिया गया है, साथ ही में 12 MP का आपको कैमरा दिया गया है। और यह कैमरा आपको पोर्ट्रेट के लिए भी काम करेगा, अल्ट्रा वाइड के लिए भी काम करता है। बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा वीवो ने वर्क किया है। यहाँ पर डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर में। यहाँ पर आपको जो रैम की ऑप्शन मिलती है वो मिलती है 8GB RAM, 256 8GB RAM, काफ़ी अच्छी है। वर्चुअल रैम भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, साथ ही में आपको 12GB RAM, 256GB स्टोरेज भी ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे ड्यूल सिम दिया गया, इस मेमोरी कार्ड लगाने की कोई ऑप्शन नहीं दी गई है। बात करें अगर बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी आपको 4600 mAh की बैटरी दी गई है, 66W की वीवो की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ यह फ़ोन आती है। बात करेगा फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 50 MP का कैमरा दिया गया है। रियर कैम आपको मैंने जैसे बताया था, तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो है रियर कैम में आपको 64 दिया गया है और इसकी जो आउटपुट है फ़ोटो क्वालिटी की ये काफ़ी अच्छी है। मैं आपको आगे फ़ोटो और वीडियो सैम्पल शेयर करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर देखिए, तो एंड्रॉइड 13 मिल रही है, 2 ईयर्स की OS अपग्रेड एंड 3 ईयर्स की सिक्योरिटी पैच मिल रही है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में वीवो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर एक कमी है। जैसे कि वीवो के फ़ोन्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलते हैं, हॉटशॉट गेम वगैरह ये सब चीज़ें आपको थर्ड पार्टी मिलती है, जिसे आप इंस्टॉल तो नहीं कर सकते, फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गूगल डायलर मिल रहा है, आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। वीवो का जो ऑफिशियल डायलर आप उसे भी ला के ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कॉल रिकॉर्डिंग में कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे वीडियो में आपको इसके में डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड क्वालिटी और कैमरा के सैंपल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया आ सके कि किस तरह की फ़ोन की आउटपुट है। तो गाइस ये है इसकी स्क्रीन क्वालिटी, काफ़ी अच्छा कलर प्रोड्यूस किया जा रहा है। बेजल लेस स्क्रीन का बेनिफिट आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन में, कि पूरी तरह से वीडियो एक्सपीरियंस कैसा होता है। अगर साइड कर्व स्क्रीन देखें तो यहाँ पे देखिए कर्व है, कर्व में भी यहाँ पे आपको बट वीडियो देखने में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है, तो ये बेनिफिट होता है कर्व स्क्रीन का। कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये था वीडियो रिज़ल्ट।
आगे मैं दिखाऊंगा आपको साउंड इसका। तो ये है साउंड सिंगल स्पीकर का। साउंड के मामले में यहाँ पे सिंगल स्पीकर दिया गया है जो कि डिसेंट सा आपको आउटपुट मिल जाता है। यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर होना चाहिए था जिससे कि साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती थी। तो ये थे वीवो V29 Pro के स्पेक्स एंड साउंड एंड कैमरा डिस्प्ले। आपको सैंपल अभी आपको आगे वीडियो में फ़ोटो और वीडियो सैंपल्स में मिलेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आ रही तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।